नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। मॉनसून का आगाज पूरे प्रदेश में हो चुका है। मॉनसून के आगाज से ही झमाझम बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के संथाल परगना के चारों जिलों में जमकर बरसात हुई है। सुनिए आगे 5 दिन झारखंड में मॉनसून किस तरीके से रहेगा, किस तरह अपना कहर बरपाएगा। आज 18 जून 2022 को झारखण्ड में मॉनसून का आगमन हो गया है और संथाल के जो 4 जिले हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इनमें मॉनसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है और स्थितियां अभी अनुकूल देखने को मिल रही हैं और आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में आगे भी मॉनसून बढ़ेगा और चांसेस है कि पूरा झारखंड भी कवर हो जाएगा। और बात करें तो अभी पिछले 24 घंटों में जो सबसे अधिक जो बारिश हुई है वो 68.5 मिलीमीटर जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है और पिछले 24 घंटे में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि 18, 19, 20 ये 3 दिन लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और उसके बाद में 21-22 में राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो क्योंकि अभी जो जस्ट मानसून स्टार्ट हुआ है और ये ट्रांजिशन फेज जस्ट कंप्लीशन पे है तो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी है और थंडरस्टॉर्म क्योंकि अभी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है तो जो लोग आम लोग जो खेतों में हैं या बाहर हैं तो जब बारिश हो रही हो या जब गरज हो रहा हो तो उस समय काफ़ी सतर्कता रखें और सुरक्षित स्थानों पर जाएँ, पेड़ और पोल के नीचे ना रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। और बात करें तो 18, 19 और 20 तीन दिनों में एक आध जगह पे झारखंड में आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, खासकर जो हमारे पूर्वोत्तर के भाग हैं, संथाल और कोल्हान, इन इलाकों में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और बात करें तो ये जो मानसून आज 18 तारीख को आया है और ये उम्मीद है कि झारखंड वासियों के लिए काफ़ी खुशहाली लाएगा और अभी तक का जो आकलन है कि ओवरऑल जो झारखंड में मानसून है वो मानसून नॉर्मल ही रहेगा और धीरे धीरे जो मानसून का प्रसार है वो 2-3 दिनों में पूरे झारखंड तक भी फैलने की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में राज्य भर में मॉनसून अपना दस्तक दे देगा, उसकी प्रसार पूरे राज्य भर में हो जाएगी। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बार का मॉनसून राज्य हित के लिए अच्छा होगा और बेहतर कारगर होगा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और इसी कड़ी में बता दें कि पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।